नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बड़ी खबर है। यहाँ पर जो है लंबे समय से अटकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। संचालन महिला एवं बाल विकास रायपुर द्वारा इस संबंध में सहमति दे दी गई है और इसके बाद 270 पदों पर जो है भर्ती की प्रक्रिया होगी। जानकारी मिली है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिले में 54 सहायिका की 64 यानी कि 164, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 52 पदों पर भर्ती की सहमति दे दी गई है। अंबिकापुर से हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी के देवरिया में नौनिहालों में कुपोषण को दूर करने के लिए यहाँ के कलेक्टर ने 3 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद ले लिया है। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि कुपोषण दूर करने के लिए चिन्हित 144 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला स्तरीय अधिकारी 3-3 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आम जन तक पहुँचाया जाएगा। देखिए, इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण कुमार रॉय ने बताया कि डीएम जितेन प्रताप सिंह ने बैतालपुर ब्लॉक के बेड़िया बोड़िया, अनंत सदर ब्लॉक के रघुवापुर तथा बघा मठिया के आंगनबाड़ी केंद्र को गोद ले लिया है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने तरकुलबा ब्लॉक के हरपुर, गौरी बाजार ब्लॉक के मठिया माफी और सदर ब्लॉक के सकरापार आंगनबाड़ी केंद्र को गोद ले लिया है। वहीं डीएम ने कहा है कि योजना का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों का कुपोषण जो है खत्म करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद वो काफ़ी सुर्खियों में आ चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी के लिए मंगलवार यानी कि कल हाथ का ठेला लेकर निकलेंगे और उन बच्चों के लिए लोगों से खिलौने, कॉमिक्स यानी कि पुस्तकें और खेलकूद की सामग्री मांगेंगे और आज इसके लिए समीक्षा भी की गई है। आंगनबाड़ी के बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए सीएम यहां के शिवराज सिंह चौहान कुछ समय पहले किसानों से अपील कर चुके थे। किसानों को उनकी इच्छा के अनुसार गेहूं जो है दान में भी मांगा था, जिसके बाद किसानों ने योगदान दिया। अब जो है सीएम मंगलवार को आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए उनके मनोरंजन और पढ़ाई की सामग्री को एकत्रित करने के लिए निकलेंगे। इस बार सीएम ने इसके लिए शहर के लोगों से दान की अपेक्षा की है और वे खुद जो है भोपाल मध्य प्रदेश में जो है ठेला लेकर निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अशोका गार्डन से इस अभियान को शुरू करने का फैसला कर लिया है और कार्यक्रम की जो है आज समीक्षा भी की गई, रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सीएम ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को अपने जीवन में अभाव की कमी का एहसास ना हो, इसके लिए सरकार और समाज को संयुक्त प्रयास करने होंगे और इसी के साथ ही अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, जनप्रतिनिधि कर जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश का देहरादून, यहाँ पर नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बनने जा रहा है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के अनुसार ही स्कूल पढ़ाई कराई जाएगी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यहाँ के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को 100 दिन के अंदर जो है उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है और इसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और पूरे मामले की अपडेट भी ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो जुलाई से नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू कर दी जाएगी और इसकी शुरुआत जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल बाटिका की कक्षाओं के संचालन से शुरू होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब पुष्टाहार बांटने तक जो है सीमित नहीं रहेंगी। बाल बाटिका यानी कि प्री नर्सरी के माध्यम से बच्चों को अक्षर और संख्या का ज्ञान भी कराया जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार एक नई पहल कर रही है जो केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार, यानी कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला जो है राज्य बनने जा रहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं संचालित कराने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और इसके साथ ही बाल बाटिकाओं की कक्षाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
कि निदेशक जो है सीमा का कहना है कि 1 जुलाई से सरकारी विद्यालयों के कैंपस में चल रहे 5-4 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका की कक्षाओं का शुभारंभ कर दिया जाएगा। वहीं निदेशक की ओर से बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और ICDS तीनों विभागों के समन्वय से पाठ्यक्रम तैयार हो गया है, जो कि जल्द ही मुद्रित होकर उनके पास भी पहुंच जाएगा। इसी के साथ ही यह पहला वर्ष है, उम्मीद की जा रही है कि बच्चों को किताबें पसंद आएंगी और उसके बाद क्या परिणाम सामने आते हैं उसके हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी कि प्री प्राइमरी को लेकर जो है उत्तराखंड का देहरादून और पूरा ओवरऑल उत्तराखंड पूरी तैयारी कर चुका है और ये लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी जो है बन जाएगा। अब जाते जाते बात करते हैं झारखंड की। यहाँ पर जो है कुपोषण की जो है काफ़ी मात्रा में संख्या है, यानी कि संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये खुलासा जो है निकल कर हुआ है। झारखंड देश के उन 3 टॉप राज्यों में शुमार है जहाँ की धरती पर आयरन के सबसे बड़े भंडार है। लेकिन हैरत की बात यहाँ पर ये है कि मुख्यतः आयरन की कमी के चलते होने वाली बीमारी एनीमिया ने यहाँ बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हाल ही में जो है नतीजे बताते हैं कि झारखंड में 6 महीने से लेकर 59 महीने यानी कि 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 67% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। राज्य की 65.3% महिलाएं और 30% पुरुष भी खून की कमी वाली इस बीमारी की चपेट में हैं। आपको बता दूं कि हालांकि NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 वर्षों में एनीमिया पीड़ित बच्चों के प्रतिशत में 3 जो है परसेंट की कमी आई है। 2015-16 में NFHS 4 के सर्वे में 70% बच्चे एनीमिया से ग्रसित पाए गए थे, जबकि ताज़ा सर्वे में 67% बच्चों में यह शिकायत मिली है। रिपोर्ट आई है कि 20 से 29 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की शिकायत सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाकों में ऐसी महिलाओं की तादाद सबसे ज़्यादा पाई गई। NFHS 4 में राज्य में जो है एनीमिया पीड़ित महिलाओं की तादाद 65.2% थी, जो ताज़ा सर्वे यानी कि NFHS 5 में यह जो है आंकड़ा 65.3% हो गया। 15 से 19 साल की किशोरियों में भी एनीमिया का असर 5 वर्षों में कम नहीं हुआ। आपको बता दें NFHS 4 में इस आयु वर्ग की 65% किशोरी एनीमिया से ग्रसित पाई गई हैं, यानी कि आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं घबराने हैरत करने वाला है, क्योंकि यह झारखंड संपूर्ण झारखंड से निकलकर आया है और भले ही बताया जा रहा है कि कुछ कमी हुई है लेकिन फिर भी परसेंटेज जो है एनीमिया का ज़्यादा है, यानी कि खून की कमी जो है चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो उन दोनों में ही खून की कमी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि एनीमिया से शिकार हैं।